भारतीय टीम की हालत काफी ही खस्ती है। मैदान पर भारतीय टीम का दाव उन्हीं पर भारी पड़ता दिख रहा है। टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम मात्र 109 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत की तरफ से विराट कोहली ने सर्वाधिक 22 रन बनाए। उनके अलावा गिल ने 21, शेखर भारत ने 17 रनों का योगदान दिया। भारतीय टीम की इतनी बुरे प्रदर्शन के बाद एक बार फिर पिच के विवाद ने तूल पकड़ लिया है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम मैनेजमेंट के इस प्लान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। कमेंट्री कर ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने अपनी पिच के ऊपर अपनी नाराजगी जताई है। मैथ्यू हेडन ने अपनी पिच के ऊपर अपनी नाराजगी जताते हुए भारतीय टीम मैनेजमेंट को जमकर लताड़ा है। इससे आहत होकर रवि शास्त्री ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है और हेडन की बोलती बंद कर दी है। तो आइए अपने इस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि हेडन ने होलकर के पिच को लेकर भारतीय टीम मैनेजमेंट को क्या खरी कोठी सुनाई है और शास्त्री ने उनको क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी ही खराब रहा और भारत की पहली पारी मात्र 109 रनों पर समाप्त हो गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ियों को भारतीय पिचों पर तंज कसने का मौका मिल गया और इसी मौके को भुनाते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने कमेंट्री बॉक्स से कहा, टीम इंडिया के कैंप में काफी शांत नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने पिछले दो टेस्ट मैच जीते हैं, लेकिन जरा आप यहां पर हो रहे टर्न पर नजर डालिए। अगर हम एवरेज टर्न देखें तो पहले दिन ही 4.8 डिग्री है, जो कि हम अक्सर चौथे और पांचवें दिन टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं। इसीलिए मुझे ऐसे कंडीशन से दिक्कत है, ये काफी ज्यादा टर्न है, आपको बल्लेबाजों को कुछ मौका देना चाहिए। हेडन ने रवि शास्त्री से आगे कहा, रवि शास्त्री आप टेस्ट क्रिकेट में अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन जज करिए, क्या आपको नहीं लगता पहला और दूसरा दिन बल्लेबाजों के नाम होना चाहिए। हेडन के बगल में कमेंट्री बॉक्स में बैठे भारतीय पूर्व दिग्गज हरफन मौला खिलाड़ी और पूर्व कोच रवि शास्त्री ने हेडन का मुंह तोड़ जवाब दिया और वो भी सिर्फ दो शब्दों में, जिसको ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के पास कोई भी जवाब नहीं था। शास्त्री ने हेडन का जवाब देते हुए कहा, होम कंडीशंस कुछ देर शांत रहने के बाद, शास्त्री ने कहा, वैसे यहाँ होम कंडीशन से अलग बात है, ये बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होने वाला है, एक पार्टनरशिप पूरे मैच का रुख बदल देगी। इस मैच में जरूर ऑस्ट्रेलिया आगे दिखाई दे रहा है, मगर भारतीय टीम को अपने बल्लेबाजों से दूसरे पारी में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी, जिससे चौथे पारी में वो ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना सके। आज के अपने रिपोर्ट में बस इतना ही, आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी ढेर सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।